नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट टीवी। हमारे देश के ट्रक उद्योग में एक बड़ा हिस्सा है ऑटोमोबाइल कैरियर्स का। ये खास तरह के ट्रक जो सिर्फ टू व्हीलर्स और कारों की ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, उनकी ढोआ ढुलाई करते हैं। ये दो तरह के हैं, एक जिसमें सिर्फ दो पहिया वाहन ट्रांसपोर्ट होते हैं और दूसरे वो जिसमें कारों को ट्रांसपोर्ट किया जाता है और उनको हम कार कैरियर्स भी बोलते हैं। ये जो इंडस्ट्री है, खास करके जो दो पहिया वाहनों को ढोते हैं, टू व्हीलर कैरियर्स उनको हम बोल सकते हैं, इनके कई अलग समस्याएं हैं। अलग ट्रक ऑपरेटरों से हटके इनकी कुछ समस्याएं हैं, इनकी जो बॉडी होती है गाड़ी की उसको लेकर। इसमें दो बड़ी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं ये ऑपरेटर काफ़ी देर से। कन्फ्यूजन कह सकते हैं इस इंडस्ट्री में है दो चीज़ों को लेकर। पहली तो ये है कि आपने ये जैसे पिक्चर में देख रहे हैं, इसमें जो केबिन है ट्रक का, उसके ऊपर भी कुछ बॉडी का हिस्सा है जिसको हम बोलते हैं लोड बॉडी का हिस्सा, केबिन के ऊपर आ रहा है। कुछ ट्रक्स में आपने देखा होगा कि ये होता है और कुछ में ये नहीं होता है। कुछ की जो बॉडी है वो पीछे तक ही, सिर्फ ट्रेलर तक सीमित होती है, और कुछ की है जो केबिन के ऊपर तक आ जाती है। तो ये इंडस्ट्री में कन्फ्यूजन है कि क्या ये जो लोड बॉडी है वो केबिन के ऊपर आ सकती है या सिर्फ पीछे तक रहनी चाहिए। एक तो इसको लेकर कन्फ्यूजन है। दूसरा कन्फ्यूजन इन गाड़ियों में ये है कि इसके अंदर डबल डेक हो सकता है या ट्रिपल डेक भी हो सकता है। डबल डेक यानी एक बीच में छत लग जाती है, कुछ गाड़ियाँ उसके ऊपर, कुछ गाड़ियाँ उसके नीचे, मतलब एक ग्राउंड फ्लोर बन गया, एक फर्स्ट फ्लोर बन गया। ये तो अलाउड है ही, लेकिन जो इंडस्ट्री के कुछ ऑपरेटर हैं जो चाहते हैं कि ये थ्री डेक होना चाहिए, मतलब एक ग्राउंड फ्लोर बन गया, फर्स्ट फ्लोर बन गया, एक सेकंड फ्लोर बन गया। इसमें कारें तो नहीं आ सकती, इसमें टू व्हीलर आ जाते हैं। तो अगर थ्री डेक बना लेते हैं, तीन डेक बना लेते हैं, तीन सेक्शन बन गए बॉडी के, तो निश्चित तौर पर उसमें ज़्यादा वाहन आ जाते हैं। ज़्यादा वाहन आने का मतलब है ज़्यादा कमाई हो जाती है उससे। और जो ये निर्माता हैं, जो वाहन निर्माता हैं, वो भी अक्सर यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो उनके वाहन हैं वो एक ही गाड़ी में चले जाएँ, ताकि उनका जो है खर्चा कम हो। लेकिन इसको लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन है कि क्या लीगल है और क्या इलीगल है। तो जो हमारी ये जो टू व्हीलर कैरियर एसोसिएशन है, ऑपरेटर्स हैं, ये काफ़ी देर से मिनिस्ट्री को कह रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप एक बार इसमें क्लेरिफिकेशन दीजिए कि क्या सही है क्या गलत है। कई बार चालान हो जाते हैं, कई बार नहीं होते हैं, जो कुछ ऑपरेटर नहीं करना चाहते हैं ऐसा, लेकिन उनके जो माल देने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि करो। तो ये कन्फ्यूजन की स्थिति है। तो अब हुआ ये कि 18 फरवरी को मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने एक मीटिंग बुलाई, जिसमें इन कंपनीज जो हैं, जैसे हीरो हो गया, बजाज हो गया, इनके जो रिप्रेजेंटेटिव है वो भी आए, ऑपरेटर भी थे और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स भी थे। तो ये मीटिंग हुई और इसकी जो चेयरमैन थे इस मीटिंग, जो चेयर किया इस मीटिंग को, वो जॉइंट सेक्रेटरी MVL थे मॉर्थ के, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट के। तो इसमें ये दोनों मुद्दों पर चर्चा हुई। चर्चा में जो सबसे, यही दो मुद्दे मेन रखे गए इसमें। जो सबसे पहले हीरो मोटर्स वालों ने ये कहा कि हम चाहते हैं कि जो ट्रिपल डेक है और जो आगे लोड बॉडी केबिन तक है, ये दोनों रूल जो अलाउ किए जाने चाहिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि ज़्यादा गाड़ियाँ एक ट्रक में आएंगी, उससे कम ट्रकों की ज़रूरत पड़ेगी, कम पोल्यूशन होगा, कम ट्रैफिक होगा। और दूसरी तरफ जो सियाम है, जो इनकी संस्था है, वाहन निर्माताओं की संस्था है, वो इस मामले में न्यूट्रल दिखी। उन्होंने कुछ खास इसमें पोजीशन नहीं ली। इसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स थे, उनका कहना था कि ये जो दोनों चीज़ें हैं, वो जो मोटर व्हीकल रूल्स हैं वो अलाउ नहीं करते हैं, इन गाड़ियों के चलान होने चाहिए, इनको ये इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। तो इसके अलावा जो ऑपरेटर थे, उनका बेसिकली यही कहना था कि भाई हमें बता दीजिए साफ साफ के रूल क्या है क्या नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें जो निर्माता हैं, जो वाहन निर्माता हैं, जिनके वो दो पहिया वाहन वो लेके जा रहे हैं, वो हमें कंपेल करते हैं कि भाई वो गाड़ी लाओ जिसमें तीन डेक हो या ऊपर वो बना हो, लोड बॉडी आगे तक हो, कैबिन तक हो। तो वो हमें मजबूर करते हैं, रास्ते में हमारे चलान होते हैं, तो एक बार इसे क्लियर कर दीजिए, जैसे आप कहेंगे हम वैसे कर लेंगे। तो एंड में जो पूरी जो सारी बातचीत हुई, तो जो फैसला ये हुआ, हम आपको बता देते हैं, जो मेन खबर ये है कि जो ऊपर कैबिन तक आना है, जो लोड बॉडी जो आगे तक आनी है, उसको इलीगल करार दिया गया है। हवाला दिया गया है इसमें
मोटर सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स का, उसकी धारा है 94 जिसमें वाहन की डायमेंशंस के बारे में होता है, कितनी चौड़ाई होगी, कितनी लंबाई होगी, ऊंचाई होगी, वो सारी चीज़ें उसमें होती हैं। उसका हवाला देते हुए ये बताया गया कि उसमें इस बात की मनाही है साफ तौर पर, जो लोड बॉडी है वो आगे तक नहीं आ सकती है। इसके साथ ही जो दूसरा पॉइंट है कि तीन डेक हो सकते हैं कि नहीं, उस पर भी क्लैरिफाई कर दिया मिनिस्ट्री ने कि नहीं हो सकते हैं, आप तीन डेक नहीं बना सकते हैं, वाहन कम आए ज़्यादा आए। तो ये अब इस खबर से साफ हो गया है, ये मीटिंग से साफ हो गया है कि जो दो चीज़ें, आप कैबिन के ऊपर लोड बॉडी नहीं बनवा सकते हैं और तीन डेक नहीं बना सकते हैं, दो डेक डबल डेक ही ज़्यादा से ज़्यादा बना सकते हैं। अगर आप ट्रिपल डेक बनाएंगे और जो लोड बॉडी कैबिन तक आगे तक लेके आएंगे तो ये इल्लीगल है, इसका ये गाड़ियाँ रोकी जा सकती हैं, इनके चलान होंगे। तो जो भी हमारे दोस्त, जो हमारे व्यूअर्स टू व्हीलर करियर का काम करते हैं, वो इस बात का ध्यान रखें। तो ट्रांसपोर्ट जगत में जो भी ऐसी नई चीज़ें होती रहती हैं मिनिस्ट्री की तरफ से, सरकार की तरफ से या कोर्ट्स की तरफ से, हमारी कोशिश होती है कि आसान भाषा में हम आपको कोई भी ऐसी नई डेवलपमेंट है उसके बारे में आपको बताते रहें, ताकि आपको ऐसी जानकारी अपने कारोबार में मिलती रहे जो आपके लिए लाभकारी हो। तो हर छोटी बड़ी अहम खबर के लिए आप देखते रहें ट्रांसपोर्ट टीवी। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।